अधेड़ यस सर। नहीं देख पा रहे हैं आप? यस सर दिख रही है। ओके ठीक है। देखिए ये हमारी आज एक्सरसाइज है एडिटिंग की। इसमें क्या होगा कि इसमें एक सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें एक मिस्टेक होगी, एक वर्ड इसमें लिखा होगा गलत। तो जो गलत होगा वो आप देखेंगे इनकरेक्ट के नीचे, इनकरेक्ट वाले कॉलम में, और उसको ठीक करके क्या लिखा जाएगा वो लिखेंगे आप करेक्ट वाले कॉलम में, करेक्ट वाले कॉलम के नीचे। तो ये पहली लाइन है, वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस एट द बैंक। तो यहाँ बिजनेस का मतलब है काम, यहाँ बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब है काम। तो वो कह रहा है कि एक सुबह को मैंने बैंक में एक काम समाप्त किया, एक काम निपटाया मैंने। जब बिजनेस का मतलब काम होता है, ये काम किया वो काम किया, ठीक है, तो उस समय बिजनेस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले वन नहीं आता, वन बिजनेस यहाँ पर गलत है। इसका मतलब हम इनकरेक्ट वाले कॉलम के नीचे लिखेंगे फाइव। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकरेक्ट में क्या लिखेंगे बताइए, इनकरेक्ट में वन लिखेंगे कि ऊपर सेंटेंस में वन जो है वो गलत है, वन बिजनेस। और करेक्ट में हम लिखेंगे वन की जगह पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस की जगह पे सम बिजनेस, कुछ काम। तो जो गलत है वो वन है, और वन को रिप्लेस किससे करेंगे, सम से। तो सेंटेंस बनेगा वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड सम बिजनेस एट द बैंक। समझ गए कैसे करना है आपको? अरे प्राची यस सर। ठीक, अब मैं और इसके सेंटेंस टाइप कर रहा हूं आपके लिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइज ए हो गई हमारी। एग्जाम्पल हो गया तो फर्स्ट सेंटेंस ऊपर से कंटिन्यू है, वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस एट द बैंक एंड
चारों सेंटेंस आपके सामने हैं, यस आपको दोनों बातें बतानी है कि इनकरेक्ट में क्या आएगा और करेक्ट में क्या आएगा। पढ़ लिया पाची? पढ़ चुके बच्चों? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ठीक है, पहला बताइए आप प्राची, पहले में क्या लग रहा है आपको? सर इनकरेक्ट में इन, एक और करेक्ट में टू, टू यस एंड वाज रिटर्निंग टू पिक अप, टू पिक अप उठाने के लिए माय मोटर बाइक। ठीक है, अरे सेकंड बताइए। सर आई सेकंड में एंड आई आई सेकंड में आई आई की जगह पे क्या आएगा? ही आई के प्लेस पे क्या आएगा? He? No. लेकिन नरेटर अपनी बात कर रहा है, आपने उल्टा बोला है, यहाँ पे ही की जगह पे आ जाएगा, तो सडनली के बाद ही है ना, वो इनकरेक्ट है, उसकी जगह पर आ जाएगा। सडनली आई रियलाइज, अचानक से मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ, नरेटर बात कर रहा है ना अपनी, वो कह रहा है कि एक बार सुबह को मैंने बैंक में काम समाप्त किया और मैं अपनी बाइक लेने के लिए आ रहा था, लौट रहा था, वो बाइक जो कि मैंने पार्किंग एरिया में छोड़ रखी थी बाहर, बैंक के बाहर, अचानक से उसे पता लगा कि मुझे पता लगा, उसे किसे, उसे तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, अचानक से मुझे पता लगा, सडनली आई रियलाइज। प्राची थर्ड बताइए। Say about थर्ड में अबाउट कह रही है, बताइए क्या आएगा अबाउट की प्लेस पर? आउट, सर्च आउट, और एक्चुअली फॉर आएगा, अगर हम किसी चीज को ढूंढते हैं ना तो सर्च फॉर होता है, फॉर इट, फॉर इट, इट क्या यहाँ पे की है, चाबी के लिए सर्च की मैंने, तो आई सर्च्ड For it in the bank, मतलब चाबी के लिए मैंने सर्च की, कहाँ पर की? बैंक में, for it, चाबी के लिए,
अबाउट हट जाएगा, अबाउट इनकरेक्ट में आएगा और करेक्ट में आएगा फॉर। फोर्थ बताइए आगे। सर इन, क्या बताया आपने? इन एंड, ठीक है एंड आएगा इनकरेक्ट में, और करेक्ट में क्या आएगा? एंड की जगह पे क्या लगाएंगे? राखी आप बताओ क्या लगाएंगे? तो इसमें आउट, एंड की जगह पर आउट। सर वेन का मीनिंग क्या होता है? बेकार, यूजलेस। इन वेन का मतलब बेकार रहा, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। बट आएगा यहाँ पे, एंड की जगह पे बट आएगा। तो वो कह रहा है कि मैंने मुझे पता चला कि चाबी खो गई है, मैं अपसेट था और अपसेट होकर मैंने चाबी को ढूंढा बैंक में। ठीक, एक बैंक के कर्मचारी ने, एक एम्प्लॉय ने मेरी हेल्प की चाबी ढूंढने में, बट इन वेन, लेकिन बेकार रहा हमारा प्रयास, चाबी ढूंढने का प्रयास बेकार रहा। बट इन वेन, व्यर्थ गया। इन वेन का मतलब व्यर्थ, लेकिन बेकार गया, और बेकार गया कि लेकिन बेकार गया, लेकिन बेकार गया, इसलिए यहाँ पर बट आएगा एंड की जगह पर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज।
आपके पास 2-3 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। पढ़ लिया, कर लिया? Yes, sir. Okay. Right. आदित, आदित प्राची पहले का बताओ। Yes, sir. दोनों में से हाँ बताए। So when? हाँ when में mistake है। When आएगा incorrect में, correct में क्या आएगा? क्या आएगा? Before. Before, ठीक है। प्राची सेकंड बताइए। सर इनकरेक्ट में बिकेम और करेक्ट में बिकम। ठीक है। आदित सर ऑफ इन नो यहाँ पे हो जाएगा मेंबर्स। ये पेट नहीं है, पेट्स हैं, पेट्स बहुत सारे हैं। पेट्स बिकम अडॉप्टेड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के अडॉप्टेड सदस्य हो जाते हैं, बन जाते हैं पेट्स। तो मेंबर नहीं बनता है, मेंबर्स बन जाते हैं, बहुत सारे पेट्स हैं ना वहां पर, तो मेंबर की जगह पर मेंबर्स। प्राची फोर्थ इनकरेक्ट में एट आएगा और करेक्ट में ऑफ। ठीक है, इसलिए आएगा बताएंगे सही आंसर क्यों। सर थिंक ऑफ, थिंक के साथ में ऑफ आता है, कब लगाते हैं थिंक के साथ ऑफ? किस कंडीशन में आता है थिंक के साथ में ऑफ?
देखिए थिंक के साथ में ऑफ हम तब लगाते हैं जब हम सोचते हैं कुछ करने के बारे में. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट थिंक ऑफ गोइंग बैक, आई कांट थिंक ऑफ लीविंग दिस प्लेस. मतलब मैं इस जगह को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता. आई कांट थिंक ऑफ लीविंग दिस प्लेस. तो थिंक के साथ में ऑफ आता है जब हम सोचते हैं कुछ करने के बारे में. तो वन कैन नॉट थिंक ऑफ इट, वन का मतलब कोई इंसान कोई व्यक्ति उन पेट्स के साथ बुरा व्यवहार करने की सोच भी नहीं सकता है, इल ट्रीट करने की सोच नहीं सकता है. तो कुछ करने की सोचते हैं तो थिंक ऑफ आता है. अरे फिफ्थ बताइए. हेड. क्या बोला? हेड. हेड हाँ सही है. क्या आएगा हेड की जगह पर? हैव. सही है. हेड की जगह पर हैव आएगा कि बात प्रेजेंट की चल रही है. वो कह रहे हैं कि उन्हें उन्हें अच्छा भोजन देना होता है, होलसम फूड देना होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशंस हो, हेल्थ के लिए अच्छा हो. तो उनको हेल्दी फूड देना होता है पेट्स को. होता था नहीं आएगा, होता है आएगा. तो हैव दे हैव टू बी गिवन. प्राची सिक्स्थ बताइए. सर फेल. हाँ क्या करेंगे फेल की प्लेस पर? फॉल. फॉल हाँ. वो कह रहा है कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो. अधित यहाँ पे वेट का मतलब क्या है? वेट मतलब जानवरों का डॉक्टर. वेट ठीक है, वेटरनरी फिजिशियन जो होता है. सो फॉर फॉर में मिस्टेक है. ठीक है क्या करेंगे फॉर की जगह पर? टू. टू हाँ. तो कह रहा है कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनको ले जाया जाना चाहिए कहाँ पर? एक वेट के पास, वेट तक, टू अ वेट, एक डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए उनको. प्राची पेट. हाँ पेट की प्लेस पे क्या आएगा? पेट्स. कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग पेट्स ले आते हैं, कुछ लोग पेट्स ले आते हैं, एक्वायर कर लेते हैं. अधित नाइन्थ. Neglect them. अच्छा. इसमें neglect में क्या mistake लग रही है आपको बताएंगे? Son neglecting. इसमें mistake neglect में है ही नहीं, वैसे now में है. यहाँ पे आ जाएगा now के place पर then and then. तो कह रहा है कि कुछ लोग pet ले तो आते हैं, ठीक है, कुछ लोग पेट अडॉप्ट तो कर लेते हैं, ले तो आते हैं पेट को, और फिर उसको उसको निगलेक्ट करते हैं, फिर उस पर ध्यान नहीं देते. और फिर तो और फिर के लिए क्या आएगा? एंड देन. पेट लेके तो आ जाते हैं और फिर उसको निगलेक्ट करते हैं. निगलेक्ट का मतलब उसको ध्यान नहीं देते, ऐसे छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते. ठीक है ये बताइए आपके सिलेबस में आर्टिकल राइटिंग आ रही है? स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग.
सर स्कूल में वैसे पूछ रहे हो या फिर डिलीटेड सिलेबस का? मैं पूछ रहा हूँ डिलीट तो नहीं हुआ है? अच्छा डिलीट क्या हुआ है राइटिंग सेक्शन में? मैं तो आपकी राइटिंग सेक्शन में लेटर ऑन अ सिचुएशन और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन प्लेस और इवेंट, बस यही दो टॉपिक हुए। अच्छा एक तो लेटर नहीं आ रहा और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नहीं आ रहा। लेटर ऑन सिचुएशन लेटर ऑन सिचुएशन नहीं आ रहा और पैराग्राफ नहीं आ रहा, समझ गया। ठीक है सही है, राइट करेंगे कल स्टार्टिंग में ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही हम करेंगे राइटिंग सेक्शन का। कुछ राइटिंग सेक्शन में दो चीज़ आपने कही कि लेटर नहीं आएगा और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नहीं आएगा, तो उसका मतलब आपका आर्टिकल राइटिंग बची, डायरी एंट्री बची और शॉर्ट स्टोरी बची, इनमें से कुछ आएगा फिर। आर्टिकल राइटिंग, डायरी एंट्री, शॉर्ट स्टोरी, इसमें से कुछ करेंगे बट नेक्स्ट वीक। अभी फिलहाल आपको अगली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यू नीड टू वेट अ मिनट।